इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ऐसे बेसिक्स को समझेंगे जिसे हर किसी लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, उसके पहले नाम क्या था, उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, उत्तर प्रदेश एक नया राज्य उत्तराखंड के नाम से अलग हो गया, वो क्यों अलग हुआ, कब अलग हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, तथा उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, इसको भी थोड़ा चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जो कुछ अपना विशेष स्थान रखते हैं, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको वीडियो बहुत कुछ समझने आने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहें। ये आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो ये बहुत पहले की बात है। अंग्रेज जब यहाँ पे राज करते थे 1856 में, तो अंग्रेज़ों ने अवध, अवध यानी यही लखनऊ और फैजाबाद वाले एरिया को उन्होंने हथिया लिया, ठीक है। हथियाने के बाद कुछ शासन का आरोप लगाया उन्होंने, और उसका आरोप लगाने के बाद अपने अंडर में ले लिया। फिर 1877 में ये उत्तर पश्चिमी सीमा वाला प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का, ये सब उन्होंने इसको भी हथिया कर अवध से मर्ज कर दिया। फिर 1 अप्रैल 1937 को, ये याद रख लीजिए सन, 1 अप्रैल 1937 को उन्होंने इस पूरे प्रांत का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया, सेंट्रल प्रोविंस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये नाम कंटिन्यू रहता है 1950 तक, और फिर फाइनली संविधान के लागू होने के साथ 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब क्योंकि यह नाम 24 जनवरी को बदला गया, अपनाया गया उत्तर प्रदेश के रूप में, इसीलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगर एक नए राज्य की बात करें तो ये आपको जो उत्तराखंड दिख रहा है, ये पहले ही उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, पर यहाँ के कुमायूं गढ़वाल वाले इलाकों को लगने लगा कि हमारा उत्तर प्रदेश में रह के विकास संभव नहीं है, हम पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत दूर पड़ जाते हैं, इसलिए लगातार 1990 के दशक के आसपास वहाँ पे मांग बढ़ी एक नए राज्य की। और फिर फाइनली ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते चला गया, और फिर 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, ईयर यह है 2000 में, 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तरांचल के नाम से गठित कर दिया गया। इन्होंने भी अपना बाद में नाम बदल कर उत्तराखंड कर लिया। अगर राजधानी की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जबकि शुरू से ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं थी। 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी, पर बाद में 1920 के बाद से इसका नाम, इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ कर दिया गया। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थापना होने के बाद यहाँ के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही था, तो दोनों के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो 1963 तक, 1963 तक किसी भी प्रदेश की कोई भी महिला सीएम नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ से कोई महिला पहली सीएम बनी। सुचेता कृपलानी नाम है उनका, नाम था उनका, ठीक है, सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं 1963 में। अगर न्यायपालिका की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो उच्च न्यायालय यहाँ पे यानी हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का, हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही है, ठीक है, पर लखनऊ राजधानी होने के साथ साथ लखनऊ में भी एक खंडपीठ खोल दिया गया। अगर मैं आपको बताऊँ फिर उसके बाद कि एरिया की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश टूटने के बाद हम चौथे पे आ गए, पहले हम पाँचवें पे थे। पहले पे कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी का नंबर आता है, और पांचवा भी याद करना जरूरी है, हमारे पीछे कौन है, हमारे पीछे जस्ट पीछे है गुजरात। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात, ये हो गया राज्यों का क्रम। फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय फूल यहाँ पर क्या है, तो वो पलास है, पलास राजकीय पुष्प है यहाँ का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी सारस है, सारस जिसे हम क्रोंच भी कहते हैं, ठीक है। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी उत्तर प्रदेश की शुरू से भाषा रही है, पर बाद में 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा मिल गया। अब आपको इस मैप को ध्यान से देखिए, कुछ यहाँ के जिलों के बारे में चर्चा कर लें। ये आपको सबसे उत्तरी जिला दिख रहा है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला का मतलब ये हुआ कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, सबसे ऊपर। तो उत्तर प्रदेश का ये नक्शा है, इसमें सबसे ऊपर का ये आपका सेक्शन है सहारनपुर वाला, तो सहारनपुर सबसे उत्तर में है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो ये सबसे लास्ट तक सोनभद्र गया है, यहाँ तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ को टच करता है। सोनभद्र ऐसा पहला जिला भी है जो चार राज्यों से घिरा हुआ है, इधर MP है, ठीक है, इधर नीचे छत्तीसगढ़ हो गया, इधर झारखंड हो गया, और इधर बिहार, चार राज्यों से अकेला घिरने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। तो सोनभद्र हो गया उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो गया, क्योंकि सबसे लास्ट तक इधर छोर तक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो बलिया है, सबसे पूर्व में स्थित है, ठीक है, ये बलिया वाला सेक्शन है, सबसे पूर्वी जिला हो गया बलिया। सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो ये आपको शामली दिख रहा है, मुजफ्फरनगर के नीचे, सहारनपुर के मुजफ्फरनगर के बाद बगल में ही, ठीक है, तो ये हो गया आपका शामली, जो कि शामली क्या है,
ये सबसे पश्चिमी ज़िला है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला जो कि यहाँ पे है सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है और सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। ठीक है, ये चार ज़िले हो गए जो कि उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण के हिसाब से थे। सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो लखीमपुर खीरी जो कि यहाँ पर ये स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगर हम सबसे छोटा ज़िला की बात करें तो यहीं पर आपका है हापुड़ पड़ता है। ठीक है, हापुड़ हो गया आपका सबसे छोटा ज़िला। ये देखिए मैं आपको हापुड़ दिखा दे रहा हूँ, ये रहा हापुड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है, सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। किसी किसी किताबों में आपको संत रविदास नगर भी मिलता है सबसे छोटा ज़िला, भदोही को जिसे नाम से जाना जाता है। भदोही छोटा नहीं रह गया, भदोही बड़ा है हापुड़ से। ठीक है, तो हापुड़ एकदम ऑथेंटिक, ये रियल इन्फॉर्मेशन है, हापुड़ सबसे छोटा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। अगर मैं बात बताऊँ कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों से घिरा हुआ है, तो ये आपको बदायूं दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़िलों से घिरा हुआ है, जैसे इस तरफ आपको बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, संभल है, अलीगढ़ है, ठीक है, कासगंज है, फरुखाबाद है, शाहजहाँपुर है, तो इन सभी ज़िलों से घिरा हुआ है, बदायूं है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़िलों से घिरने वाला इकलौता ज़िला है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ बेसिक्स हो गए, आपको इतना आपको जानना ही जानना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।